Hello, I'm Manasvi. Thank you for watching eTimes TV. I love you all and keep supporting me. So grateful. गेम जो खेल रहे हैं वो हैं मुनव्वर, वो थोड़ा बहुत मैनिपुलेटिव गेम खेल रहे हैं. विक्की भी खेल रहे हैं. मेरे इविक्शन पे भी सलमान सर ने यही बोला कि आप स्ट्रॉन्ग प्लेयर थी, लेकिन इट वॉज अ बैड टाइमिंग. ट्राई कर रही थी बहुत बड़े इश्यूज़ उठाना और मैं छोटे छोटे इश्यूज़ पे फाइट करना नहीं चाह रही थी, जाने देना चाह रही थी. तो उनको लगा लोगों को कि मेरी वीकनेस है कि मैं ईशा से समर्थ से छोटे छोटे चीज़ों में आर्ग्यू नहीं करना चाह रही थी. सुपर फेक, सुपर फेक. आई थिंक मुनव्वर की ऑलरेडी बाहर एक गर्लफ्रेंड है जो बहुत सीरियस है. आई थिंक दे हैव अ सीरियस रिलेशनशिप गोइंग टूवर्ड्स मैरिज. एंड मनारा तो मतलब ओवर एक्टिंग की दुकान है. तो ये बहुत ही फेक चल रहा है. थोड़ा डिसपॉइंटिंग मुझे भी लग रहा है. आई थिंक हुआ क्या कि शो ने क्रिएटिव डिसीजन लिया मुझे बाद में भेजने का. शायद वो इस एडवांटेज देना चाह रहे हो कि गेम समझ के जाएगी, पर थोड़ा डिसएडवांटेज हो गया कि मैं ये समर्थ ईशा और अभिषेक के ट्राइंगल वाले टाइम में चली गई जहाँ पे पूरा घर ओवर शैडो हो गया था उनकी वजह से. तो काफ़ी सारी चीज़ें एक्चुअली हुई घर में जो दिखाई भी नहीं गई क्योंकि वो ओवर पावर कर गया, ओवर शैडो कर गया. एंड मेरे इविक्शन पे भी सलमान सर ने यही बोला कि आप स्ट्रॉन्ग प्लेयर थी, लेकिन इट वाज अ बैड टाइमिंग. सो आई थिंक थोड़ा डिसअपॉइंटेड मैं हूँ क्योंकि मैं अभी सबूत इकट्ठा कर रही थी लोगों के अगेंस्ट जाने के लिए. तो मेरे को एम्यूनिशन कलेक्ट करना मैंने शुरू ही किया था स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के अगेंस्ट जाना, उससे पहले ही मैं निकल के आ गई. आई थिंक मैं ट्राई कर रही थी बहुत बड़े इश्यूज़ उठाना और मैं छोटे छोटे इश्यूज़ पे फाइट करना नहीं चाह रही थी, जाने देना चाह रही थी. तो उनको लगा लोगों को कि मेरी वीकनेस है कि मैं ईशा से समर्थ से छोटे छोटे चीज़ों में आर्ग्यू नहीं करना चाह रही थी. मैं सोची थी बड़ा इश्यू आया, जैसे अनुराग का इश्यू आया वो बड़ा इश्यू था. मुनव्वर की एक दो चीज़ें हुई जो बड़े इश्यूज़ थे जो मैं उठाना चाह रही थी. तो मैं छोटी चीज़ों में कॉटअप होके नहीं, बड़े इश्यूज़ में जाना चाह रही थी. लोगों ने उसको मेरी वीकनेस समझ के वो एक नैरेटिव शुरू कर दिया. तो आई थिंक दैट वॉज द थिंग. अच्छा क्या होता है, आई थिंक सबसे ज़्यादा गेम जो खेल रहे हैं वो हैं मुनव्वर, वो थोड़ा बहुत मैनिपुलेटिव गेम खेल रहे हैं. विक्की भी खेल रहे हैं. तो ये दोनों सबसे ज़्यादा गेम खेल रहे हैं. आई थिंक एक नया खुलासा हुआ था कल शो पे जहाँ पे पता चला कि नील एंड विक्की ऑलरेडी बात करके आए थे. तो मुझे ये डाउट है कि इन चारों के बीच में जो भी चल रहा है, पति पत्नी में दरार, दो कपल्स में दरार, ये थोड़ा मुझे लगता है ये थोड़ा टीवी सीरियल वाला स्क्रिप्ट लिख के आए हैं अपने लिए रियलिटी शो में. ये मुझे डाउट है क्योंकि कल भी बात खुली कि ये सब लोग बात करके आए थे. पहले तो बात है वो क्या कर रहे हैं शो में सोने के अलावा, जो मुझे एडवाइस दे रहे हैं वो ना दे डूइंग, किस हक से मुझे एडवाइस दे रहे हैं क्योंकि आप तो खुद ही सो रहे हो ना. सेकेंडली जो मुझे एडवाइस दे रहे थे खुद सोने के बाद दूसरों को बोल रहे हैं आप लड़ो, पॉइंट उठाओ. मैंने पॉइंट उठाया. मेरी और अनुराग की बहुत बड़ी एक कॉन्फ्रंटेशन फाइट हुई थी आधी रात को. मेरे ख्याल से 2 बजे सुबह तक हम लोग लड़ रहे थे. वो शायद दिखाई नहीं जब मैंने सारे पॉइंट्स उठाए कि आपने ऐसा ऐसा बोला, ऐसा ऐसा क्यों बोला. आप मुझे बोल रहे हो मैं LA में रहती हूँ जब आपकी खुद की दुबई की रेजिडेंसी है. आप इम्पोर्टेड कार्स चला रहे हो, इम्पोर्टेड व्हीकल्स चला रहे हो. इतनी स्टेट की आपकी फॉन्डनेस है, इतना स्टेट से प्यार है, तो आप स्टेट की ब्रांड्स यूज़ करो ना. मैं देहरादून का हूँ, आप उत्तराखंड की नहीं हैं. आपको पता है कि मुझे कितने स्टेट पुरस्कार मिले हैं. आपको पता है मैं वहाँ पे कितना चैरिटी वर्क करती हूँ. आपको पता है कि मैं उत्तराखंड की वुमेंस टीम की एम्बेसडर हूँ. आपको पता ही नहीं, जब इनको ऐसा लग रहा है कि ये तो US में है, इनको कुछ पता ही नहीं, कोई रूट से कनेक्टेड नहीं, मेरी पूरी फैमिली वहाँ रहती है. तो ये मेरे पे कीचड़ उछालने, पत्थर फेंकने, जब इनका खुद का घर कांच का है. तो मैंने इनके पूरे चिट्ठा खोला. कई बार लोग दुबई की रेजिडेंसी लेते हैं इनकम टैक्स बचाने के लिए. तो इनका मैंने पूरा चिट्ठा खोला, वो शायद दिखाया नहीं, शायद पर्सनल रीजंस के लिए नहीं दिखाया क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा ही चिट्ठा खोल दिया. नहीं, एक्चुअली सब लोग बहुत सेफ खेलना चाह रहे हैं और जिन लोगों की बाहर ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है उनसे लड़ना नहीं चाह रहे हैं. और मैंने ऐसे किसी से फ़ाइट करी तो बहुत सेफ खेल रहे हैं लोग, जबकि मुद्दे ऐसे थे ऑब्जेक्टिफिकेशन का. जैसे जो मुद्दा था उस पे घर के जो मैच्योर लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, उनको आना चाहिए था मेरे साथ कि लड़की का तुम ऑब्जेक्टिफिकेशन कैसे कर सकते हो ऐसे. पर कोई आया नहीं ना क्योंकि सब लोग सेफ खेल रहे हैं. सुपर फेक, सुपर फेक. आई थिंक मुनव्वर की ऑलरेडी बाहर एक गर्लफ्रेंड है जो बहुत सीरियस है. आई थिंक दे हैव अ सीरियस रिलेशनशिप गोइंग टूवर्ड्स मैरिज. एंड मनारा तो मतलब ओवर एक्टिंग की दुकान है. तो ये
बहुत ही फेक चल रहा है, और वो ऐसी ऐसी बातें बोलती हैं लोगों को जो विच आर वेरी डेरेगेटोरी, एंड देन ऑल्सो मतलब ऐसी चीज़ें बहुत स्टेशन ऐसी चीज़ें वर्ड्स बोल जाती हैं और कहती हैं मुझे तो पता ही नहीं इसका मतलब क्या है. तो बहुत ही मतलब घटिया ये चल रहा है, रट के जाना चाहिए था, फिर मैं भी फेक ही लगती ना. हाँ बिल्कुल रहना चाहिए था, और मैं ऐसे ही सोच के गई थी क्योंकि मुझे लगा था मेरे अलावा ऐसे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका कोई घर में कंट्रीब्यूशन नहीं है, कोई सिर्फ दो लेडीज़ हैं जो सीनियर हैं जो सिर्फ खाना बना रही हैं, एक हैं जो यूके से आए हैं उनको हिंदी बोलनी नहीं आती, बात ही नहीं कर पा रहे हैं, उनका कोई ट्रैक ही नहीं है. चलो अनुराग का तो मेरे वजह से कोई ट्रैक बना, अरुण और तहलका का कोई ट्रैक नहीं है, तो मुझे लगा था मेरे से पहले ये जो इनएक्टिव मेम्बर्स हैं इनको जाना चाहिए था. एंड मैं और आगे चीज़ों को बढ़ाने के लिए स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स से को पॉइंट आउट करने के लिए कलेक्ट कर रही थी इश्यूज, तो उसी में ये लव कन्फ्यूजन की वजह से मेरा एलिमिनेशन हो गया, अदरवाइज आई वुड हैव मैं स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स को टक्कर दे सकती थी. आई थिंक वो थोड़े स्ट्यूपिड हैं, आई थिंक उनका मजाक बन रहा है बाहर, सबसे ज़्यादा मजाक उन्हीं का बन रहा है. इस सीज़न के सबसे हेटेड प्लेयर हैं, डबल गेम खेल रहे हैं, उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि खुल के बात करें. तीन लड़कियों को, चार लड़कियों को बेस्ट फ्रेंड बनाया हुआ है, एक दूसरे की बातें पास ऑन कर रहे हैं, तो वो खुद ही का मजाक बना रहे हैं ये सब बोल के. कि आई होप मैं ज़्यादा टाइम रह पाती, आप लोगों को एंटरटेन कर पाती और अपना पर्सनालिटी दिखा पाती शो में, पर ऐसा नहीं हुआ. बट प्लीज़ स्टिल थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू फॉर फॉलोइंग मी, और आगे भी मेरी जर्नी सपोर्ट करते रहिएगा.